चर्चा सुन रहा हूँ, जया जी, प्रवीण जी, आप सब दिल से और भावना से सुनने वाला ये विषय है। मेरे पास एक मैं कविता पढ़ रहा था प्रसून जोशी की, आपको पता होगा, बच्चों के ऊपर यौन अपराध से दुखी होकर एक कविता लिखी थी। उसमें प्रसून लिखते हैं, जब बचपन तुम्हारी गोद में आने से कतराने लगे, जब माँ की कोख से झांकती जिंदगी बाहर आने से घबराने लगे, समझो कुछ गलत है। जब तलवारें फूलों पर जोर आजमाने लगे, जब मासूम आंखों में खौफ नजर आने लगे, समझो कुछ गलत है। जब किलकारियां सहम जाए, जब तोतली बोलियां खामोश हो जाए, समझो कुछ गलत है। मुझे लगता है ये जो गलत है, ये कोई दुरुस्त करने के लिए हमने पोक्सो कानून बनाने का ये प्रबंध किया है। लेकिन जैसे आपने कहा जया जी, ये कानून से क्या होगा? कानून तो बनते हैं, कानून बनाए जाते हैं, लेकिन आप किसके ऊपर नजर रखोगे? पुलिस है, न्यायालय है, 10 साल की बच्ची को मां बनाया जाता है, कितना गंभीर अपराध है। 10 साल की बच्ची के ऊपर रेप होता है। अब आपने मृत्युदंड का प्रावधान किया, ठीक है, लेकिन हमें शर्म आनी चाहिए सबको। हम इस समाज में रहते हैं, हम जिनके ऊपर ज्यादा भरोसा विश्वास रखते हैं वो लोग ही ऐसे दुष्कर्म के साथ जुड़े हैं। ऐसे ऐसी जगह है जहां नैतिकता के और धर्म की बात कही जाती है। देखो, मैं देख रहा था कि कहां सबसे ज्यादा ये यौन शोषण की घटना हुई, आपको मालूम है? सभी प्रार्थना स्थल है, सभी मंदिर है, भोपाल की घटना है मदरसे में, हैदराबाद में भी मदरसे में है, पटना में मंदिर में है, बाल सुधार गृह में होते हैं, केरल में चर्च के पादरी ने ये अपराध किया है, गुरुकुल में है, स्कूलों में है, जहां सबसे ज्यादा विश्वास है, जहां सबसे ज्यादा नैतिकता के पाठ हम पढ़ाते हैं, अगर उस जगह पे फिर इस प्रकार से मामले और अपराध होते हैं तो हम किसके ऊपर विश्वास रखेंगे? क्या करेगा कानून? हमारे बच्चे, हम चंद्रयान छोड़ा ना कल, चांद को छूने की बात होती है, लेकिन हिंदुस्तान जो हमारा देश है, भारत, वो कुख्यात देशों में है जहां सबसे ज्यादा मासूमों के ऊपर दुराचार होते हैं, सबसे ज्यादा। हमारे यहां चाइल्ड रेपिस्ट पैदा होते हैं, चाइल्ड रेपिस्ट, सीरियल चाइल्ड रेपिस्ट, और हम सालों साल से कानून बनाएंगे, फांसी की सजा का प्रावधान करेंगे, मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करेंगे। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया कांड हुआ था, 16 दिसंबर 2012, उसके बाद सारा देश सड़क पर उतरा। उस मामलों का निर्णय आने में 5 साल लगे, फिर रेवी पिटीशन, फिर मर्सी पिटीशन, ये खेल चलता रहता है। फांसी की बात आज नहीं है, मध्य प्रदेश में जो पहला राज्य है जहां वो मदनसर कांड हुआ था, एक नाबालिग स्कूली लड़के के साथ इस प्रकार से घटना हुई थी, तब वहां भी फांसी की सजा का प्रावधान किया था मध्य प्रदेश ने, लेकिन उस कानून के तहत आज भी किसी को फांसी नहीं हुई है। कानून बनते हैं, कानून बनाए जाते हैं, न्यायालय, विशेष न्यायालय की बात हम जब करते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट कब बनाओगे आप? फास्ट ट्रैक कोर्ट 2000 से भी ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की जरूरत है, और लगभग 1000 करोड़ का
उसके लिए प्रावधान करना चाहिए। कागज कागज पे आप कानून बनाया आपने, लेकिन 1,000-2,000 करोड़ का प्रावधान करने में और 5 साल लगने वाले आपको। और दूसरी बात, आज कानून होने के बाद ये सामाजिक विकृति जो है, ये सामाजिक ये मानसिक विकृति भी कानून से भी ऊपर बड़ी बात है। काउंसलिंग होते हैं, सब हो जाएगा, लेकिन हमारे समाज में जो शैतान पैदा हो रहे हैं वो भी एक विकृति है, उनके लिए भी हमको काम करना पड़ेगा। क्यों पैदा होते हैं, क्यों पैदा होते हैं? आपने एक अच्छा प्रावधान किया है चाइल्ड पोर्न के बारे में, तो आपने जो संशोधन किया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी की डेफिनेशन आपने बनाई है। ये दिल्ली में 40 देशों में जो सोशल मीडिया पर केरल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी दिखाने का सबसे बड़ा सेंटर था वो दिल्ली में था। 40 देशों में यहाँ से चाइल्ड पोर्नोग्राफी दिखाई लोग देखते थे। अब ये कानून जब बनेगा, मुझे लगता है उसके ऊपर आप काम कर सकेंगे। बहुत ही अच्छा बढ़िया अमेंडमेंट और कानून आपने बनाया है मैडम, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, हम सब एक साथ हमारे बच्चों को, है बच्चा हो बच्चिया हो, प्लीज कंक्लूड, उनकी सुरक्षा करने के लिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है, सदन की जिम्मेदारी है। बस इस शब्दों से मैं आपके कानून का, आपके अमेंडमेंट का समर्थन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई कॉल यस ऑल इन द थैंक यू ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, इन द कोर्स ऑफ माय ऑब्जर्वेशन I inadvertently used death penalty, whereas I wanted to convey life imprisonment. All other arguments remain the same, but I inadvertently used death penalty. Thank you so much. Thank you very much.